अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मुमताज। चिकन का ये कोरमा बहुत लजीज बनकर तैयार होता है, स्पेशली आप इसको अपनी दावतों में शामिल कर सकते हैं। आज हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। रेसिपी बहुत आसान है, होपफुली आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए आइए इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो चिकन मुमताज बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक लार्ज साइज का प्याज था जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज का हमने कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट पिंक सा आ जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक लार्ज साइज का टमाटर था जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था और साथ ही 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्च ऐड की हैं। अब हम टमाटर को भी फ्राई करेंगे और इसको भी सॉफ्ट कर लेंगे। जैसे ही टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 12 अदद बादाम थे, आप लोग बादाम की जगह यहाँ काजू भी ऐड कर सकते हैं, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत रिच बनता है। अब बादाम को भी हम 2 मिनट तक इन चीजों के साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ सब चीजें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इन सब चीजों को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। अब सेम कढ़ाई में और सेम ऑयल में हम चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन यहाँ मेरे पास है 500 ग्राम और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक बादयान का फूल है, 3 अदद हरी इलायची है और 12 से 20 अदद साबुत काली मिर्च है। इन चीजों के साथ ही हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ तकरीबन हम 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को फ्राई करेंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और ये मेरे पास थी 1.5 टेबल स्पून। अब 2 मिनट तक हम मजीद चिकन को फ्राई कर लेंगे कि अदरक और लहसुन का कच्चापन चला जाए। उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इन मसालों के साथ हम चिकन की भुनाई करेंगे। यहाँ 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे। ये प्याज टमाटर और बादाम वाली पेस्ट है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब इसी में हम अपने चिकन को कुक करेंगे, साथ ही इसमें जाएगा आधा कप दही, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर लगाकर छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए या फिर तब तक के लिए जब तक के दही का सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब यहाँ 15 से 20 मिनट के बाद जब मैंने कवर हटाया तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो यहाँ हमारा चिकन कोरमा ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब इस चिकन मुमताज का टेस्ट इनहेंस करने के लिए हम लास्ट में इसको तड़का लगाएंगे। तो एक पैन में मैंने लिया है जी 1/4 कप के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो हरी मिर्चों को काट कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा तीखी वाली हरी मिर्चें थी तो फिर मैंने ऐसे ही ऐड कर दी। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा भी ऐड किया है, साबुत जीरा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर दीजिए, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। जब जीरे और हरी मिर्चों की प्यारी सी खुशबू आने लगे तो हम इसको चिकन में डाल देंगे और तड़का लगा देंगे। यहाँ तड़का लगाते हुए मुझसे ये सीन मिस हो गया और यहाँ क्या जबरदस्त सी खुशबू आ रही थी। माशाल्लाह से हमारा जो चिकन कोरमा था वो बहुत ही मजेदार बनकर तैयार हुआ था। इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत रिच बनती है, बहुत सिल्की और स्मूथ बनती है। आपको देखकर ही अंदाजा हो रहा होगा कि माशाल्लाह से ये कितना मजेदार तैयार हुआ था। ये दावत स्पेशल रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। इसी के साथ जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।